आप देख रहे हैं बीआरजी टीवी जनता की आवाज़ से। समस्तीपुर जिला के पटोरी प्रखंड के अंतर्गत अब हम अमौल में हैं, जहां की हम देख रहे हैं कि वाम सेफ की आज बैठक की गई थी। हम जानते हैं कुछ लोग वाम सेफ के जो बैठक की गई थी उसका क्या उद्देश्य था, मेन क्या रीजन था, हम जानते हैं। सर आपको बीआरजी टीवी में स्वागत है। सर आज वाम सेफ की जो बैठक की गई थी इसका मेन उद्देश्य क्या था, मेन रीजन क्या था? मैं सबसे पहले अपना परिचय देंगे। मैं विनोद बिहारी मंडल जी वाम सेफ का राष्ट्रीय कार्यकारिणी का सदस्य हूँ जी। वाम सेफ एक वैचारिक संगठन है जी, जो इम्प्लाइयों का फेडरेशन है जी। और वाम सेफ सामाजिक परिवर्तन, समाज में जो संविधान के अनुसार जो मूलभूत अधिकार मिले हुए हैं उसकी रक्षा के लिए इस समाज को तैयार करता है। इसके अंतर्गत आज समस्तीपुर जिला का आज पटोरी प्रखंड के धमौन गांव में ये आज बैठक थी। उस बैठक में वाम सेफ, भारतीय मूल निवासी संघ और भारतीय मूल निवासी सांस्कृतिक मंच का गठन हुआ जी जी। तो ये गठन का मुख्य मकसद जो है तो लोगों को संगठित करते हुए इसकी फुले अम्बेडकरी विचारधारा को किन किन मुद्दों पर बातचीत हुई सर? आज मुद्दा की बात कर रहा हूं। आज खासकर हम लोगों की जो भी लोगों के साथ वार्ता हुई उसमें देश में जो अभी विषम परिस्थितियां पैदा कर दी गई है, किस तरह देश पुनः गुलामी की ओर जा रहा है, पुनः हमारा संवैधानिक जो भी प्रावधान थे धीरे धीरे समाप्त किए जा रहे हैं एक साजिश के तहत, तो उसके खिलाफ लोगों को जागरूक करने का एक कार्यक्रम हम लोगों ने। जैसे सर आपने बोले जो परिस्थिति भारत में जो परिस्थिति आई है, क्या क्या परिस्थिति आपकी समझ में आ रहा है? परिस्थिति यही है कि भारत बाबा साहब ने जो संविधान लिखा जी जी, उस संविधान में जो उन्होंने अधिकार दिए, जो करोड़ों देवी देवता जो अधिकार नहीं दिला सके उसको बाबा साहब के संविधान ने दिलाया। जानवर से इंसान बनाने का काम इस संविधान ने किया। आज ये जो शासक वर्ग है उस संविधान को बिना छुए हुए ही सारे प्रावधानों को समाप्त करते हुए पुनः जानवर बनाने का कार्यक्रम ये सरकार चला रही है। इसके लिए हम लोगों को जागरूक कर रहे हैं, संविधान बचेगा तो देश बचेगा जी। कहने का गर्ज है जो संगठन को मजबूत करना जी, यही मूल उद्देश्य संगठन को मजबूत करते हुए फूले अम्बेडकरी विचारधारा को, मानवतावादी विचारधारा को, बुद्धा के विचारधारा को जन जन तक पहुंचाना और सभी मानव एक समान है, सबको सम्मान, सबको समानता, ये अधिकार मिले जी। तो यहाँ के जनता को आप क्या संदेश देना चाहेंगे सर? जैसे आपने बोले जो भौतिक विचार से अम्बेडकर विचार जो बोल एक शब्द बोले सर, तो आप यहाँ के जनता से आप क्या संदेश देना चाहेंगे सर? हम यहाँ की जनता सहित सारे लोगों को हम यही संदेश देना चाहते हैं कि आज जो देश की परिस्थितियाँ बनती जा रही है, जिस तरह देश को आज़ादी कराने के लिए हमारे पुरखों ने जान की बाजी लगाकर देश को आज़ाद कराया, पुनः अगर हम लोग नहीं संभले, संविधान को नहीं बचाए, तो पुनः दूसरी आज़ादी के लिए हम लोग को तैयार आना होगा, पुनः फांसी पर चढ़ने के लिए अपनी पीढ़ी को तैयार करना होगा, उससे बचना है तो एकजुट होकर जितने भी समाज के जो कमजोर वर्ग के लोग हैं, जो फूले अम्बेडकरी विचारधारा को मानने वाले लोग हैं, एकजुट होकर और संविधान को बचावें, फूले अम्बेडकरी और अम्बेडकर कर्पूरी के विचारधारा को आगे बढ़ावें। धन्यवाद। थोड़ा सा आप अपना परिचय देंगे सर? बीआरजी टीवी में आपको स्वागत है। प्रसाद साहू जी, भारतीय मूल निवासी सांस्कृतिक मंच के मैं राष्ट्रीय सदस्य हूँ और मैं महात्मा फूले अम्बेडकर, पेरियार साहब, लोहिया जी, कर्पूरी ठाकुर, आदरणीय लालू जी के जो विचार हैं, जो अम्बेडकर जी के विचारों को इन लोगों ने लेकर चला, सत्ता में आए और पुनः ये मनुवादी ब्राह्मणवादी व्यवस्था के लोग उन्हें जेल के अंदर डाल दिया और हमारे दलित पिछड़ों की आवाज़ जो अम्बेडकर साहब ने संविधान के माध्यम से आवाज़ और अधिकार दिया, उस आवाज़ और अधिकार को एग्रेसिव करने वाले हमारे नेताओं को आज
आजाद भारत में जेल के अंदर बंद कर और शासन सत्ता में 80 साल से वही लोग बरकरार है घुमाकर, और हमारे समाज के जो सच्चे लोग आवाज उठाने वाले हैं दलित पिछड़ा के हक अधिकार को, उन्हें समाप्त करने पर यह सरकार तुली हुई है। हमें हमारे मूल निवासी फंसे हुए हैं, ढोंगपंथी में फंसे हुए हैं ढोंगियों के द्वारा, उससे निजात हेतु एक कार्यक्रम जैसे हम लोग चलाने के लिए चले हैं, और हम लोग जैसे कि लगातार कार्यक्रम को चलाते रहेंगे। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब का जो सिद्धांत है, देवी देवताओं के चक्कर में नहीं पड़ना और समतामूलक समाज की स्थापना करना, उस समतामूलक समाज की स्थापना की ओर जैसे कि हम बढ़ेंगे, और हम प्रेम श्रद्धा हम अपने आप में मूल निवासियों में जैसे कि जगाएंगे, और जगा करके जो हम लोग एक होंगे और एक होकर के जैसे हम आगे बढ़ेंगे, यही जैसे कि मूल हम लोगों का सिद्धांत है। अभी को सर बोल रहे थे जो हम लोगों को तोड़ने की कोशिश की जा रही है, क्या ये आप अपने समझ से बता सकते हैं कि ये जुट पाएगा, एक कड़ी में बंध पाएंगे लोग, जब हम अपने ऐसे विचार के लोग, जब हम अपने संस्कृति और प्रकृति को हम अपने लोग को जानकारी देंगे तो अवश्य जैसे कि हम एकजुट होंगे, एक मंच पर होंगे। जी धन्यवाद सर।